सी के खिलाफ लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बीच रविवार शाम जेएनयू जंग का मैदान बन गया। नकाबपोश गुंडों ने कैसे बहाया निहत्ते छात्रों का खून, देखिए। जेएनयू के नकाबपोश गुंडे कौन, क्यों जेएनयू बना जंग का मैदान? जेएनयू में कैसे हुआ हंगामा? CAA और बढ़ी हुई फीस को लेकर जेएनयू के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, पर कुछ लोगों को छात्रों को इस तरह से आवाज उठाना चुभ रहा था। वो जेएनयू के छात्रों के प्रदर्शन से कुछ लोग इतना घबराए हुए थे कि उन्हें मारने के लिए हाथों में लाठी डंडे लेकर और मुंह पर नकाब बांधकर कैंपस तक पहुंच गए थे। I have been brutally attacked by Kirtu and Mas. I don't know, I have been bleeding. I am not even in a condition to talk. I have been brutally beaten up. I was there with one of my activists. जेएनयू में घुसे इन नकाबपोश गुंडों ने छात्रों के साथ मारपीट की, कैंपस में तोड़फोड़ की। वहीं नकाबपोशों ने हमले में कई छात्र छात्राओं को घायल किया। नकाबों के पीछे चेहरा छुपा रहे इन गुंडों की शक्ल भले ही ना दिखाई दे रही हो, लेकिन इनकी बदनीयती को पूरी दुनिया ने देख लिया। जेएनयू में हुए इस बवाल को लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच हुई लड़ाई का नाम दिया जा रहा है, लेकिन एक शिक्षण संस्थान में इस तरह से मारपीट और गुंडई कैसे की जा सकती है, जबकि दिल्ली पुलिस और यूनिवर्सिटी की खुद की जिम्मेदारी बनती थी कि छात्रों की सुरक्षा करे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय चौहान लाइव लखनऊ से जुड़ गए हैं। संजय, आपसे सवाल लेना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या पहचान हो पाई है इन नकाबपोशों की? बिल्कुल मनीष, मैं बताऊं कि जिस तरीके से जेएनयू में हम